गुड मॉर्निंग डियर ऑल, आवर टुडेज टॉपिक इज इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी विच इज लेसन नंबर 12. ओके, सो दिस इज लेसन नंबर 12, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम योर जीके बुक. ओके, तो क्या करना है इस चैप्टर में, क्या रीड करना है, टाइटल क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स. ओके ओके, तो देखते हैं. Many organs exist inside our body, so we cannot see them. These organs are called internal organs. अच्छा, बहुत सारे organs होते हैं जो कहाँ होते हैं, हमारी body के अंदर होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं. Like आपका heart, आपकी kidney, आपके lungs, क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना. किसी को अपना heart दिखता है क्या? ऐसे झांक कर देखो, क्या हार्ट वगैरह दिखता है क्या? किडनी दिख जाती है क्या किसी को अपनी? नहीं दिखती ना. ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर होती हैं. ये नॉर्मली हमें नहीं दिखती हैं, ठीक है ना. इनके लिए स्पेशल मशीन होती है, उनके थ्रू ही इनको देखा जाता है. ये डॉक्टर्स के पास ही रहता है, ठीक है, जो इनके स्पेशलिस्ट रहते हैं. ओके, नॉर्मली हम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं देख सकते, ठीक है ना, नहीं देख सकते ना. ओके, अब इस लेसन में देखो करना क्या है. Can you match the following internal organs with the body parts where they are located? क्या आप इनको मैच कर सकते हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं और ये बॉडी पार्ट्स हैं, कि ये कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं, है ना. कोई भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है तो वो किस बॉडी पार्ट में लोकेटेड रहता है, ठीक है. तो बस हमें मैच करना है. ओके, तो आपको क्लियर हो गया ना कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, ठीक है ना. चलो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं हम. ओके, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, स्टमक, ठीक है. स्टमक कहाँ पर है? स्कल में तो नहीं होता, नी में तो नहीं होता, चेस्ट में भी नहीं होता, स्टमक बैक में भी नहीं होता. बैक में होता है क्या? सामने होता है ना. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एब्डोमन. ओके, तो स्टमक को आप मैच करो एब्डोमन से. ओके, ये हमने मैच किया, ठीक है ना. सो फर्स्ट का आंसर क्या है? ई है, ठीक है ना. ये देखो आप, स्टमक ऐसा कुछ होता है, ठीक है. इंटरनली स्टमक ऐसा दिखता है, ठीक है ना. ओके, नाउ सेकेंड, क्या मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. सेकेंड, हार्ट. सी, अब हार्ट कहाँ होता है? स्कल में? नो मैम. नी में? ना बेटा. सी, चेस्ट, करेक्ट है ना. हार्ट कहाँ होता है? चेस्ट में ही तो हार्ट होता है हमारा, चेस्ट के अंदर ही हार्ट होता है ना. तो हार्ट को आप किससे मैच करोगे? सी, चेस्ट से मैच किया. सो हार्ट में सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी. ओके ओके, अब मैं फिर से कलर चेंज कर लेती हूँ. ओके, नाउ थर्ड वन इज जॉइंट. अब जॉइंट कहाँ होता है? ये देखो. ओके ओके, हार्ट एक बार बता दूं मैं आपको. हार्ट देखो, हार्ट की इमेज क्या कलर लिया था हमने, उसी से बताती हूँ मैं, जो इससे पहले था. सी, ये हमारा हार्ट है, ऐसे दिखता है हार्ट, ठीक है. हार्ट की इमेज क्या है? हमें ऐसे दिखती है. सेकेंड को हमने सी से मैच किया है. हार्ट हमारा चेस्ट में होता है और ऐसा कुछ दिखता, ठीक. ओके, नाउ थर्ड में हम आ गए थे, उसके लिए मैंने रेड कलर ले लिया था. जॉइंट, जॉइंट कहाँ होता है? स्कल में तो नहीं होता, चेस्ट में भी नहीं होता, बैक में भी नहीं होता. फिर कहाँ होता है जॉइंट? नी में, ठीक है. तो सी को आप किससे मैच कर दोगे? बी से, नी, के एन डबल ई. ओके, तो आंसर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नी, ठीक है ना. ओके, अब ये देखो कैसा होता है जॉइंट. ऐसा होता है, दो हड्डियाँ जुड़ती हैं ना जहाँ पे, जैसे कि हमारा ये नी हो गया, हमारी एल्बो हो गई, ये सब क्या है? जॉइंट ही तो है, जहाँ पे आके दो हड्डियाँ मिल जाती हैं, दो हड्डियाँ जुड़ती हैं जहाँ से, ठीक है ना. जॉइंट से अपन अपना ऐसे हाथ फोल्ड कर लेते हैं, पैर फोल्ड करते हैं नी से, है ना, करते हैं ना. तो वो जॉइंट इसलिए करते हैं, अगर सीधा सीधा होता तो वो कैसे अपन फोल्ड करवाते, नहीं कर पाते ना. तो ऐसे यहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है ना. ओके, अब बारी आती है फोर्थ की. इसके लिए भी हम क्या करते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं. चलो यही वाला कर लें, ठीक है. ये ओके,
Now fourth is brain. Okay, अब brain, brain कहाँ होता है? अब बताओ brain कहाँ होती है, कहाँ होगा brain? अब से हमारे पास सिर्फ दो बचे ऑप्शन, ए skull एंड डी back. अब किसका brain back में होता है? किसी का brain होता है back में? नहीं होता ना. अब क्या बचा? एक ही बचा ना, skull बचा, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? skull. ब्रेन को आप मैच कर दो स्कल से, किया एस के यू डबल एल. तो ब्रेन को हमने किससे मैच कर दिया? स्कल से मैच कर दिया. अब आप देखो ज़रा, ऐसा कुछ होता है हमारा ब्रेन, दिखा आपको? दिखा ना, ऐसा होता है. ठीक है, इसलिए मैं आपको कलर चेंज कर दिए मैंने, इससे आपको डाउट नहीं होगा. ठीक है ना? ओके, नाउ लास्ट इज, इसके लिए हम फटाफट से कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, फिफ्थ इज स्पाइन. क्या है? स्पाइन. अब स्पाइन, अब एक ही आंसर बचा है, तो आप तो फटाफट से बोल दोगे बैक. ठीक है, सो फाइव को आप डी से मैच करो और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर बैक. स्पाइन कहाँ होती है? बैक में होती है. अब ये देखो, आपको स्पाइन दिखाती हूँ मैं. सी, दिस इज स्पाइन. दिखा सबको? क्या है ये? स्पाइन है. दिखा भी है ना ये स्पाइन? तो ये होती है स्पाइन. ये कहाँ होती है? पूरा हमारी, पूरा बैक में होती है, गले से लेके पूरा यहाँ कमर तक. ठीक है ना? तो पूरा एरिया कवर करती है. क्या होती है ये? स्पाइन होती है, है ना? बिना इसके अगर ये, इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो फिर हमें बहुत दिक्कत होती है. और ये इसमें प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए. उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है, झुकने में दिक्कत हो जाती है. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है ना? स्पाइन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है ना? चलो एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं. स्टमक को किससे मैच किया हमने? फर्स्ट को हमने ई से मैच किया. ध्यान से सुनो, फर्स्ट को मैच किया ई से, स्टमक को मैच किया एब्डोमन से. ठीक है, फर्स्ट का आंसर ई. सेकंड, हार्ट को किससे मैच किया? हार्ट कहाँ होता है? चेस्ट में होता है. तो हार्ट को हमने सी से मैच किया. हार्ट को हमने सी से मैच किया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. ठीक है, थर्ड जॉइंट. अब जॉइंट कहाँ होता है? जॉइंट में, जॉइंट कहाँ होता है? नी, है ना? तो जॉइंट को हमने नी से मैच किया. मींस इसका आंसर हो जाएगा बी. जॉइंट का आंसर, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा बी. स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैंने मैच किया है. ठीक है, नाउ फोर्थ ब्रेन. ब्रेन को हमने किससे मैच किया? ए से, स्कल से. किससे मैच किया? स्कल से. ठीक है, तो ब्रेन को हमने, फोर्थ को हमने स्कल से मैच किया, ए से मैच किया. ठीक, नाउ लास्ट इज स्पाइन. स्पाइन को हमने किससे मैच कर दिया? डी से. ठीक है, क्योंकि बचा हमारे पास डी, और स्पाइन कहाँ होती है? बैक में होती है. तो स्पाइन को हमने डी से मैच किया. एक बार अच्छे से देख लो स्क्रीन में, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने किसको किससे मैच किया है. ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? ओके, अब हम क्या देखते हैं. डू यू नो द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज आवर थाई बोन कॉल्ड फीमर. हमारी जो बॉडी की, हमारी पूरी बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन होती है, सबसे लंबी हड्डी जो होती है, वो कहाँ होती है? हमारे थाई में होती है. ठीक है, हमारे थाई में होती है. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फीमर. एफ ई एम यू आर, F E M U R, फीमर. ठीक है, ये हमारी थाई बोन होती है, जो कि हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है. इसका नेम क्या है? इसका नेम है फीमर. F E M U R. ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया ना आपको? कोई प्रॉब्लम? इसका जो PDF है वो आपको क्लासरूम ऐप में मिल जाएगा. ठीक है ना? और बाकी तो आपके सामने मैंने मैचिंग कर दी, आपके सामने स्क्रीन में आंसर है. कोई डाउट तो नहीं है? अब समझ में आ गया ना? इफ़ कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. ठीक है ना? तो आपको वहाँ पे मैं आंसर कर दूँगी. ओके ओके, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो. और अब आपको कैसे पढ़ाई बस करनी है. ठीक है ना? आपके पास वीडियो है, नोट्स हैं, तो आप बस अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है ना? ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.